ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हम लोग ऑप्शनल में अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल यूनिट को देख रहे थे, राइट। उसमें से पिछले वीडियो में मुझे जहां तक लग रहा है कि लास्ट का जो वीडियो था उसमें कोई साउंड प्रॉब्लम रही होगी, तो ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम अपने आज की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल होता है तो वो दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दीज आर द मेथड्स बाय विच इंटरनल कंट्रोल टेक्स प्लेस एंड दीज आर द मेथड्स बाय विच एक्सटर्नल कंट्रोल टेक्स प्लेस ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनल कंट्रोल में क्या आ जाता है? पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम, कार्मिक प्रबंधन प्रणाली, IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सूचना प्रबंधन प्रणाली, बजट के जो प्रोविजंस होते हैं एंड जो रूल्स एंड एक्ट्स होते हैं, हायरार्की, सबको अपना दायरा पता होता है, एंड द IVS, इंडिपेंडेंट विजिलेंट सिस्टम, जो आपके स्वायत्त सतर्कता प्रकोष्ठ होते हैं उनके द्वारा। फिर जो एक्सटर्नल कंट्रोल है उसके तीन तरीके हो सकते हैं, कंट्रोल बाय द लेजिस्लेटिव, कंट्रोल बाय द जुडिशरी एंड कंट्रोल बाय द पब्लिक। कंट्रोल बाय द लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के द्वारा जो जो वाह नियंत्रण होता है वो तीन भागों में विभाजित हो सकता है, विधायिका, न्यायपालिका, जनता। अब जब लेजिस्लेटिव के द्वारा जो कंट्रोल होता है उनके ये उपकरण है, जैसे कि बाई कमेटी, समितियों के द्वारा, मोशन, प्रस्ताव के द्वारा, नोटिस, नोटिस हिंदी में ही बोलते हैं, नोटिस के द्वारा, डिबेट एंड डिस्कशंस, राइट। ये है वो टूल्स जिनके द्वारा लेजिस्लेटिव कंट्रोल करती है एडमिनिस्ट्रेशन को, सेकेंड, या कह सकते हैं गवर्नमेंट को। अब एक्सटर्नल कंट्रोल में जो दूसरा आता है, जुडिशरी। जुडिशरी कैसे कंट्रोल कर सकती है? तो उसमें एक जो हमारा पॉइंट बनता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। जो भी प्रोविजन सरकार ला रही है, चाहे कोई गुड्स एंड सर्विसेज के डिलीवरी से संबंधित हो, चाहे कोई एक्ट पास करना हो, जो भी सरकार की काम कार्य पद्धति होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है कि नहीं, संवैधानिकता है कि नहीं। जब हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तो उसका अर्थ होता है कि जो भी प्रोविजंस किए जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, कहीं उसको वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जहां हमें ले जाने की ओर सोच रहा है, कहीं उससे हमें डेविएट तो नहीं कर रहा है, राइट। तो ये हमें संवैधानिकता के अंतर्गत चेक किया जाता है। कोई भी विधि नियम बनता है तो उसकी संवैधानिकता चेक होती है। अगर कुछ संविधान सम्मत नहीं है, असंवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, राइट, तो तुरंत क्या होता है, जुडिशरी इंटरवीन कर देती है। बेसिक स्ट्रक्चर, जो भी आप काम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी कर रहे हैं, कोई एक्ट बना रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कहीं वो संविधान का हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचा है, उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर उल्लंघन कर रहा है तो वहां पर कंट्रोलिंग पावर का कौन आ जाएगा? जुडिशियल। थर्ड, जुडिशियल रिव्यू, अपने खुद के दिए गए निर्णय को भी एक बार फिर से देख सकते हैं जुडिशियरी। इसी तरह एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए गए किसी भी काम का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, राइट। आप ये समझ लें कि जैसे प्रेसिडेंट के भी जो क्षमादान की शक्ति है, पहले माना जाता था कि जो पार्डन पावर है प्रेसिडेंट का एब्सोल्यूट है, लेकिन इपरुस सुधाकर केस में 2006 में केस आया था, इपरुस सुधाकर केस में जुडिशियरी ने कहा नहीं, ये जो पार्डन पावर है प्रेसिडेंट का ये भी एब्सोल्यूट नहीं है और इसकी भी न्यायपालिका द्वारा जांच हो सकती है। तीसरा, पिटीशन, कोई जनता अगर पिटीशन डाल देती है, राइट, ये जो फला कानून है या हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वहां भी कंट्रोलिंग पावर में जुडिशियरी आ जाएगी। अगर आप सरकार सही से काम नहीं करेगी तो क्या होगा? जनता अगर किसी सरकार की नीतियों से खुश नहीं होती है तो जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के द्वारा उस सरकार को सबक सिखा दिया जाता है। या कोई, आपने देखा होगा कि कोई अधिकारी है जो अलोकप्रिय है, मतलब ऐसे काम कर रहा है जो जनता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, जनता की आवाज, जनता की जो समस्याएं वो ढंग से नहीं सुनता है, तो घेराव भी कर देती है जनता, और इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं उनके ऊपर कि वो जो कंसर्निंग ऑफिसर होता है उसको या तो तबादला करना पड़ता है या कोई ना कोई उसको रेमेडी देनी पड़ती है। तो आप देखोगे कि पब्लिक में एक तरह से कैसे कंट्रोल बनेगा, थ्रू इलेक्शन। अगर वो अपने पॉलिटिकल लीडर से खुश नहीं है तो क्या करेंगे, वो चुनाव में प्रतिभाग करके उसको हरा देंगे और जो उनको लगता है कि उनकी बात सुनेगा उस पार्टी को सत्ता में ले आते हैं। तो इसलिए जनता का दबाव चुनाव के माध्यम से दिखता है। सेकंड, RTI। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई भी, अगर आपके ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है या कोई सूचना दबाई जा रही है जो आपके लिए जरूरी है,
RTI डाल के आप पता कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट है या ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप अकाउंटेबल बना सकते हैं। तो RTI एक बहुत इफेक्टिव टूल हो गया है कंट्रोल जनता जो इस्टेब्लिश करती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसमें RTI एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट और जो आपका पब्लिक है सिटीजन है राइट, उन सबको करीब लाती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट है उसमें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। इसी तरह सिटीजन चार्टर एक नियमों का एक मतलब एक प्रोफार्मा है जिसको हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। सोशल ऑडिटिंग, कितना खर्च हुआ है, कितना आपको खर्च करना चाहिए था, इसके जो जब ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट बॉडी यानी जनता के द्वारा ही किया जाता है तो सोशल ऑडिटिंग होती है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो पब्लिक के टैक्स से जो पैसा वो किया गया या जो जो भी पैसा है सरकार का, आखिरकार वो लोगों का ही पैसा है, तो उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, पैसे का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, कहीं उसमें किसी का फेवर तो अननेसेसरी फेवर तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें किससे पता चलेंगी, सोशल ऑडिटिंग से, ठीक है, जिसे हम लोग सामाजिक लेखांकन कहते हैं। और इसके अलावा मीडिया, अब मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि जो चीज़ें जनता उस ढंग से नहीं एक्सप्रेस कर पाती है या हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता एटलीस्ट कि हमारी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, तो जनता के मुद्दों को जनता तक ले जाने का जो काम करती है वो कौन करती है, मीडिया। तो आप देखोगे मीडिया भी एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल बना रखने की बहुत इफेक्टिव टूल है। जैसे आपने अभी कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान देखा होगा, शायद वो उत्तराखंड की घटना है, इसमें एक DM है, वो शादी हो रही है तो उसमें जो लड़का है जिसका विवाह हो रहा है उसको भी थप्पड़ मारता है और खूब गाली गलौज करता है, वो ब्लडी DM, उसको इस बात पे घमंड है कि वो DM है राइट। तो उसने आपने देखा होगा कितना ज्यादा उसको लतार पड़ी थी, और ये जो घटना है उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। कभी भी उसका जब प्रमोशन होना होगा राइट, तो उसमें उसके कंडक्ट को भी देखा जाएगा कि यार जब ये छोटी सी एक समस्या को सही से देख नहीं पाया इसका हम बड़ी जिम्मेदारी कैसे दें, तो ये उसके करियर में एक बहुत बड़ा डेंट हो गया राइट। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल टूल्स बाय विच कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है। जो इंटरनल कंट्रोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट, सॉरी जो एक्सटर्नल कंट्रोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कमिटीज है, ठीक समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियां, ठीक। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ठीक है, ये दो तरह की हो सकती है ठीक। एक हमने आपको बताया था, एक होती है आपकी स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरी होती है सिलेक्ट कमेटी या प्रवर समिति। अंतर क्या है, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो नेचर से कैसी होती है, वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है ठीक है, और ये कैसी होती है, टेम्पररी होती है। क्यों ये परमानेंट कही जाती है, क्योंकि ये जो कमेटी होती है ये हमेशा बनी रहती है, एक साल इनकी लाइफ होती है और एक साल के बाद इनके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स चेंज होते हैं, या कभी कभी मान लीजिए दृष्टिकोण में अंतर ना आ पाए कि मान लीजिए एक कोई कमेटी है किसी बड़े किसी बहुत इंपॉर्टेंट उस पे टॉपिक पे काम कर रही है, और अगर सारे मेंबर बदल देंगे तो दृष्टिकोण में भिन्नता आ जाएगी, तो फिर जो इफेक्टिवनेस है उस कमेटी की वो कम हो जाएगी, तो वो मेंबर फिर से रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये वो कमेटी है जो हमेशा बनी रहती है, इनकी लाइफ एक साल होती है, तो एक साल बाद क्या होगा कि मेंबर्स फिर से बदल जाएंगे या वही मेंबर फिर से आ जाएंगे। लेकिन ये जो सिलेक्ट कमेटीज होती हैं, प्रवर समिति जिसे हिंदी में कहते हैं, ये कैसी होती हैं, ये टेम्पररी होती है नेचर से। क्यों, क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई थी, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव पूरा होता है ये कमेटी अपने आप ही क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है ठीक है ना, ये बात आई समझ में, या इसको आप कह सकते हैं कि ये जैसे परमानेंट हो गई, ये हो गई एडहॉक तदर्थ समिति हो गई, कैसी कमेटी हो गई, ये एडहॉक कमेटी हो गई ठीक, तदर्थ समिति हो गई।
अब हम लोग एक पहले एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कमेटी पे भी चले जाएंगे। ये यूनिट बहुत बड़ी है राइट, क्योंकि ये ना केवल आपके ऑप्शनल बल्कि आपका पॉलिटी का सेक्शन भी कवर करती चलती है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जहां भी पॉलिटी का सेक्शन कवर करने की बात हो, गवर्नेंस कवर करने की बात हो, वो भी ये कवर कर ले। तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं ये अच्छी हैं या बुरी हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज गुड आर बैड। तो जैसे हर कोई भी हम लोग जब इस तरह की बात करते हैं उसमें दो पक्ष हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम लोग पहले पॉजिटिव इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि यस पार्लियामेंट्री कमेटीज आर पार्ट एंड पार्शल ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सो बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ जो संसदीय समितियां हैं वो हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि उनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं जिन्हें निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए जरा और विशेषताएं क्या है। पहली चीज कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं वो उनमें क्या होता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं राइट। जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होंगे तो एक होता नहीं कि जब एक थेसिस होता है उसके अंगेंस्ट में जो आता है वो एंटी थेसिस होता है, और जब थेसिस और एंटी थेसिस के बीच से जो चीज निकल के आती है उसे हम लोग डायलॉग बोलते हैं, संवाद। यानी कि एक होगा वाद पक्ष, दूसरा होगा प्रतिवाद, और वाद और प्रतिवाद के आपस में संघर्ष से जो चीज निकल गया ये संवाद, और संवाद से कोई नया विचार, नया नजरिया निकल के आता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं जिससे मत भिन्नता होती है राइट, और मत भिन्नता से जो श्रेष्ठ तत्व होते हैं वो सामने आ जाते हैं। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये संसद का काम बहुत आसान कर देती है क्योंकि जहां पे बहुत गहन सूक्ष्म विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है वो काम पार्लियामेंट्री कमेटी ही कर देती है। तो ये जो पार्लियामेंट का बहुत बेस कीमती समय होता है इसको बचाती है। इट सेव्स द क्रूशियल टाइम ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द सीरियस एंड सिंसियर लेवल ऑफ स्क्रूटनी ओवर द एक्ट्स एंड द रेगुलेशंस, दैट इज व्हाई इट सेव्स द क्रूशियल टाइम ऑफ द पार्लियामेंट। थर्ड जो इसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, दीज कमिटीज कैन वेलकम द एक्सपर्ट फ्रॉम द मार्केट टू डील विद द इश्यूज दे आर रिलेटेड टू। वो जिस भी मुद्दे से संबंधित हैं या जिस मुद्दे के लिए बनाई गई हैं उसके समाधान के लिए वे संसद के बाहर के सदस्यों यानी कि एक्सपर्ट्स को भी आमंत्रित कर सकते हैं, यानी उनकी जो राय होगी उसमें मार्केट के जो लोग हैं उनकी राय भी शामिल होती है राइट। तो दे आर ट्राइंग टू नर्चर द पोटेंशियल एंड टैलेंट ऑफ द मार्केट राइट टू सॉल्व द एनी पर्टिकुलर इशू एंड टू गिव द बेस्ट सॉल्यूशंस। ये समितियां किसी मुद्दे के समाधान के लिए उन सदस्यों की भी मदद ले सकती हैं जो संसद के सदस्य नहीं हैं, अर्थात ये बाजार के प्रतिभा और उसके सामर्थ का दोहन करने में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लास्ट जो एक हम लोग पॉइंट इसके फेवर में देख सकते हैं वो ये है इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये हो सकता है ठीक है कोई जो इसका एक और जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड है। तो हमने ये तीन पॉइंट देख लिए कि ये क्यों आवश्यक है राइट। अब चौथा इधर देखें इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। बात ये है कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमेटी बनाई गई है राइट, उसमें जरूरी नहीं है कि सारे सदस्य उसी पर्टिकुलर फील्ड से आते हों, यानी उसमें एक्सपर्टीज का अभाव होता है। So it is not necessary that the members of the parliamentary committee belongs to that particular field. So this type of committee lack the expertise. तो पहला चीज क्या हो गया नेगेटिव साइड में कि इसमें विशेषज्ञता का अभाव होता है। जब आप विशेषज्ञ ही नहीं है तो आप गहन लेवल से सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे क्या। सेकेंड, some critics says that
इट इज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये भारत के संसाधनों का अपव्यय है। जो काम संसद को दिया गया है वही काम संसद किसी और से करवा रही है और एक अलग से उसके लिए एक सिस्टम डेवलप कर रही है और फिर यही जो रिकमेंड्स करेगी वो पार्लियामेंट को करेगी, तो एक ही काम को दो दो बार क्यों किया जा रहा है, इससे तो पैसे का वेस्टेज हो रहा है ना, राइट। थर्ड, कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इनमें कोई बहुत सारगर्भित और बहुत अच्छे विचार निकल के नहीं आते, विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होने के कारण उसमें राजनीतिक वाद विवाद ही ज्यादा होते रहते हैं और कोई उससे श्रेष्ठ तत्व निकल के नहीं आता है। सम क्रिटिक्स सेज दैट बिकॉज दीज कमिटीज आर कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, सो मोस्ट ऑफ द टाइम द पॉलिटिकल डिबेट्स एंड डिस्कशन टेक्स प्लेस, सो दे डोंट रीच ओवर अ कॉन्क्रीट डिसीजन, राइट। सो दिस इज द वेस्ट ऑफ मनी, अर्थात ये संसाधनों का अपव्यय है क्योंकि वो एक राजनीतिक वाद विवाद में ही ज्यादा लगे रहते हैं। चौथा, दीज कमिटीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक, राइट। सो द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी वेरी मिनिमम, क्योंकि ये जो समितियां होती हैं या समिति के सदस्य होते हैं, राइट, जब वो एक समिति के रूप में काम करते हैं तो जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से वो जवाबदेह नहीं होते हैं। जब आपके पास जवाबदेही नहीं होगी, राइट, तो आप में वो परफेक्शन आ ही नहीं सकता है। जब आप ये देख रहे हो कि मेरे इस पर्टिकुलर डिसीजन से कितने लोगों के जीवन में अच्छा या अच्छा, अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो बुरा हो सकता है, लेकिन जब आप इस दायित्व से मुक्त होंगे तो आपके परफॉर्मेंस में फिर बहुत अचीवमेंट नहीं आ सकता। सो दीज पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आर नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, दैट इज वाई देयर परफॉर्मेंस इज नॉट वेरी गुड, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन मेक इन अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो वॉट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट दीज कमिटीज आर वेरी एसेंशियल एंड दे are related to the deep level of scrutiny of the acts and regulations made by the government. So, they ensure the best legislative decisions and best legislative programs and policies reach to the public. So, they are very necessary in the parliament democracy, but their functioning can be improved. So, there is no question of their need and relevance. Yes, they are of course needed, but their functioning is not up to the mark, which is essential, which is necessary, that their performance and their effectiveness and professional attitude must be developed. इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी आवश्यकता और प्रासंगिकता क्या है, ये तो होना ही चाहिए। एक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में संसदीय समितियों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इनकी जो कार्य क्षमता है या कार्य निष्पादन क्षमता है, प्रभावशीलता है, उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। तो सवाल ये है कि कैसे इनकी प्रभावशीलता और कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए, सवाल ये नहीं है कि ये होना चाहिए कि नहीं। यस वी नीड पार्लियामेंट कमिटीज, बट देयर वर्क परफॉर्मेंस कैन बी मेड मच बेटर। उनकी आवश्यकता है किंतु उनके कार्य निष्पादन को और बेहतर किया जा सकता है। तो ये हमारे एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल हो सकता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर गुड और बैड। तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट बताया, उसके बाद उसको कंक्लूड कर दिया कि यस वी नीड, बट देयर इज द नीड ऑफ द चेंज इन देयर वर्क स्टाइल। ओके, ये हमने देख लिया। अब आप आगे देखें थोड़ा, पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में हम लोग और जान लें, ठीक है। ये हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया अभी, ये आपके प्योरली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसके साथ में पॉलिटी का सेक्शन भी अच्छा खासा ये कवर करता है, राइट। तो मेरी कोशिश है कि यहीं पर आप समझते चले ताकि आपका दो जगह फायदा हो। और एक चीज और हमें गौर करनी है कि मैं आपको बहुत प्रिसाइज करके चीजें बता रहा हूं, अगर इसमें भी पॉइंट मिस हो जाएंगे तो फिर लिखने के लिए बहुत कम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कुछ और भी चाहता हूँ साइड में बताता चलूं, ताकि अगर मैं आपको 10 पॉइंट बताता हूँ उसमें से 4 स्किप हो जाते हैं तो कम से कम इतना आपके पास मैटर रहे कि आप एक क्वालिटेटिव एप्रोप्रिएट आंसर लिख सके, राइट। तो जो हमें और समझना है वो क्या है, कि फर्दर कमिटीज कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। एक हो सकती है लेजिस्लेटिव
और दूसरी हो सकती है स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज कमेटीज। तो जो विधायी समितियां होती है, लेजिस्लेटिव कमेटीज होती हैं, उनका जो काम होता है वो ये है कि कोई भी जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसका स्ट्रक्चर या प्रोफार्मा तैयार करना, ठीक है। सो प्रिपेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिसी, स्ट्रक्चर ऑफ द अपकमिंग पॉलिसी। आगामी नीति की रूपरेखा और दशा तैयार करने से संबंधित होती है, और ये क्या होती है? रिलेटेड टू डील विथ स्पेशल इश्यूज विच इनकर्ड टाइम टू टाइम। पता है समझे कि अंतर क्या है दोनों में, कि जब किसी पॉलिसी को कैसे बनाया जाना है, पॉलिसी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो वो जो कमेटी होती है उन्हें हम लोग लेजिस्लेटिव कमेटी कहते हैं। और कुछ कमेटी ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं, राइट। तो उसमें होता है कि वो किसी पर्टिकुलर जो समस्या किसी समय आ गई उससे डील करने के लिए जो कमेटी होगी वो कैसे होंगी, स्पेशल पर्पज कमेटीज होंगी, ठीक है। अब स्पेशल पर्पस कमेटीज में का जो बेस्ट एग्जांपल जैसे हो जाएगा जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या संयुक्त संसदीय समितियां। क्या आप देखोगे कि अभी तक कुल 5 जेपीसी बन चुकी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है। जो आप देखोगे कि जब कोई सीरियस एलिगेशन सरकार पे लगता है तो विपक्ष कहता है जेपीसी बनाए, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जेपीसी या जो स्पेशल पर्पस कमेटीज होती हैं उनका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। आपने राफेल के समय देखा होगा कि विपक्ष ने कितना ढिंढोरा पीटा था कि राफेल में ये हो गया है वो हो गया, घोटाला किया सरकार ने, तो जेपीसी बनाओ जेपीसी बनाओ। तो केवल उनको ये लगता है कि जेपीसी बन जाएगी, इतने से ही सरकार पे दबाव आ जाएगा। तो अब जैसे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस पर्टिकुलर इश्यू को डील करने के लिए जो कमेटी बनाई जाएंगी वो क्या होंगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई या स्पेशल पर्पस कमेटी हो गई। तो अभी तक कुल 5 जेपीसी कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमको पहले के बारे में पता होना चाहिए और दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो अभी तक 5 जो पार्लियामेंट्री जेपीसी बनी है, तो उसमें जो पहली बनी है वो राजीव गांधी के समय बनी थी, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उनके सरकार पे आरोप लगा था कि जो बोफोर्स तोप है उस पे घोटाला हुआ था। तो ये किससे संबंधित है, ये आपके बोफोर्स स्कैम से संबंधित है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार है, देखिए स्कैम तो उसमें होते ही रहते हैं, तो इसमें आपको याद करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी कि उनका कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, अगर कांग्रेस की सरकार है तो स्कैम चलता है, राइट। तो राजीव गांधी के समय में जो पहली जेपीसी बनी थी वो कौन सी थी, बोफोर्स स्कैम से संबंधित थी। और जो 5th जेपीसी बनी वो भी कांग्रेस के समय बनी, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और ये आपके 2G स्पेक्ट्रम स्कैम से बनी थी, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम से रिलेटेड थी। ये हो गई हमारी जो 5वीं जेपीसी थी, राइट। तो हमें सबके बारे में जानना जरूरी नहीं, इतना ध्यान रखें अभी तक कुल 5 जेपीसी बनी है। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैसी कमेटी होती है, स्पेशल पर्पज कमेटी होती है। बनाई किस लिए जाती है, कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई अगर नई समस्या आ जाती है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, स्क्रूटनी करने के लिए जो बनाई जाती है, उन्हें हम लोग स्पेशल पर्पज कमेटी कहते हैं। और उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल बताया जाता है वो जेपीसी बताया जाता है, ठीक। फिर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जो कमेटी होती है उनको दो तरीके में हम लोग बातें थे, एक एक हमने कहा था कि एडहॉक कमेटी और दूसरे को हमने कहा था स्टैंडिंग कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी में भी कुछ कमेटी हैं जो बहुत एग्जाम में महत्वपूर्ण है, सवाल उनसे बनता है, ठीक है। तो देखो जरा,
देखिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी की, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में अब आप ये देखोगे कि तीन कमेटी हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और उसमें जो सबसे रिलेटेड है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो फाइनेंस रिलेटेड कमेटीज जो है, फाइनेंस रिलेटेड कमेटीज। इसमें तीन कमेटी हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पहली जो हमारी कमेटी हो गई, दैट इज एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी। दूसरी जो हमारी हो गई कोपू, कोपू का अर्थ है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और जो तीसरी कमेटी हो गई वो हो गई हमारी पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, जो प्राकलन समिति होती है, राइट, एस्टिमेट कमेटी होती है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका बनाने का, कि वो क्या करे कि बजट संबंधी अनुमान तैयार करे, प्रिपेयर द एस्टिमेट्स ऑफ द बजट। अब बजट का, बजट जो है वो क्या है, एक मनी बिल है, और मनी बिल सिर्फ कहां लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। तो बजट पारित कराने की जिम्मेदारी सिर्फ किसकी होती है, लोकसभा की होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो एस्टिमेट कमेटी होगी, इसके जितने भी मेंबर होंगे वो सब कहां से होंगे, लोकसभा से होंगे। तो कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, और 30 कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। क्यों, क्योंकि बजट के एस्टिमेट तैयार करना अगर अलग किसी व्यक्ति या दूसरे दल को दे दिया जाए, और बजट का निर्माण करना, उसका प्रेजेंटेशन करना, उसका अप्रूवल कराना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, ये जिम्मेदारी होती है जो सत्ता में होता है। तो अगर बजट के अनुमान तैयार करने और बजट के क्रियान्वयन करने में डिफरेंस आ जाएगा तो कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए सिमिलरिटी होनी चाहिए, जो बजट के एस्टिमेट दे उसी को बजट लागू करने और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हो, तभी उसमें सिमिलरिटी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी। तो अगर ये काम में द्वंद हो जाएगा, राइट, तो फिर काम बन नहीं पाएगा। इसीलिए इसमें मत भिन्नता ना आए, क्योंकि बजट एक मनी बिल है जो कि केवल लोकसभा में पारित करवाना आवश्यक होता है, और सरकार भी किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए जो एस्टिमेट कमेटी होती है, जिसे हम लोग हिंदी में प्राकलन समिति कहते हैं, प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और 30 किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं, और इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए बहुत सारे क्रिटिक्स इसे मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिनी पार्लियामेंट नहीं, मिनी लोकसभा कहते हैं। क्यों, इसमें सारे जो मेंबर हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। ध्यान रखना, क्यों लोकसभा के होते हैं, क्योंकि इट इज बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट ऑफ द बजट, और बजट को इम्प्लीमेंट और उसको बनाने की जिम्मेदारी चूंकि एग्जीक्यूटिव की होती है, सरकार की होती है, राइट, और सरकार किसके प्रति जिम्मेदार है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। इसीलिए एस्टिमेट कमेटी को मिनी लोकसभा कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं कोपू में, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो बात यह हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उसमें एक सांसद थे जिनका नाम था डॉक्टर लंका सुंदरम। तो डॉक्टर लंका सुंदरम ने उनसे कहा कि जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में वहां पर जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए अलग से कमेटीज होती हैं, तो चूंकि हम भी अभी गुलामी के बंधन से मुक्त हुए हैं, तो हमको भी इस तरह की कमेटी की आवश्यकता है जो हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स में आने वाली समस्याओं की पहचान कर सके, और जो बेस्ट जो वो होते हैं, कह सकते हैं, सजेशन हो सकते हैं, वो दें। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज अभी जस्ट याद आई कि जब हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी के मेरिट और डिमेरिट पढ़ रहे थे, तो हम लोग डिमेरिट में एक चीज उसमें ये जोड़ सकते हैं बेटा कि इनकी जो जो भी इनकी फाइंडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज की, वो नेचर से कैसी होती है, संस्तुतिकारी होती है, उनमें रिकमेंडेशन होती है, राइट,
वो कोई सरकार उनको माने या ना माने, सरकार उनको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, ये उसकी डिमेरिट हो गई। उसके पॉजिटिव साइड में क्या हो गया, इसी से रिलेटेड है, पॉजिटिव साइड में आप ये इंक्लूड कर देना कि भले इनकी जो दी गई सलाह होती है राइट, वो बाध्यकारी नहीं होती है सरकार के ऊपर, लेकिन जो कमेटी की फाइंडिंग्स होती हैं उस पर जो डिबेट एंड डिस्कशन होती है वो मीडिया में, जनता में, हर जगह होती है राइट, पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होती है, तो सरकार के ऊपर एक दबाव बन जाता है। तो सरकार अगर किसी कमेटी के रिकमेंडेशन को नहीं भी अगर इम्प्लीमेंट करती है तो कहीं ना कहीं उसका उसको क्लैरिफिकेशन जरूर देना पड़ता है, और अगर क्लैरिफिकेशन ठीक नहीं है तो सरकार पे बैकफायर कर जाता है। इसलिए ये कह देना कि इनकी जो दी गई रिकमेंडेशन होती है वो बाध्यकारी नहीं होती, इसलिए इनका कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको दोनों साइड एक एक पॉइंट ऐड कर देना है। डिमेरिट में क्या लिख देना कि इनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो सजेशन वाली होती हैं, जिनको मानने के लिए सरकार फोर्स नहीं होती है राइट। और पॉजिटिव साइड में क्या लिख दोगे कि अगर सरकार इनके रिकमेंडेशंस को नहीं मान रही है तो उसकी क्लैरिफिकेशन भी सरकार को देनी पड़ती है, जिसकी वजह से सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव और नियंत्रण बन जाता है। तो गलत करने से पहले सरकार चार बार सोचेगी, ये पॉइंट आप दोनों साइड एक एक ऐड कर लीजिएगा। ये हमने देख लिया। तो जो डॉक्टर लंका सुंदरम थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हम भी अभी गुलामी से निकले हैं तो हमारे देश में ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो फिर उनके जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, हम इस डिमांड को जायज मानते हैं और भारत में भी जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जो सरकारी उद्यम हैं, उनमें बेस्ट प्रैक्टिसेस लाने के लिए हम लोग एक कोपू बनाएंगे। और इसी चीज को देखते हुए 1964 में कमेटी बनाई गई थी जिसके लीडर थे आपके वी कृष्ण मेनन। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे 1 मई 1964 को भारत में कोपू बनाई गई। तो ये कमेटी किससे रिलेटेड होती है, ये जो कमेटी होती है वो पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड होती है। इनके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, डूज एंड डोंट्स, ये क्या कर सकती है और क्या कर नहीं कर सकती। तो ये कर क्या सकती है, जो कोपू होती है वो क्या करती है, देखिए पहली चीज, पहला जो ये क्या कर सकती है, दे रिकमेंड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये सार्वजनिक उद्यमों के लिए सर्वश्रेष्ठ जो नियम और सिद्धांत हैं उनकी सिफारिश करती है। दूसरा, दे इंश्योर 3 E's इन द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये सार्वजनिक उद्यमों के कार्य परिचालन में मितव्ययिता, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता जैसे 3 E's को सुनिश्चित करने का काम करती है। तीसरा हो गया कि दे डू फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स। वे सार्वजनिक उद्यमों का कि कार्य प्रणाली का भौतिक सत्यापन करती है। भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन का अर्थ होता है कि सीधे कारखाने में जाके आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये नहीं कि बस फाइल के लेवल पे चेक हो रहा है, औचक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि जो जो वाकई में चल रहा है वो चीजें आ सके। तो ये हमने देख लिया इसके डूज क्या हो गए। एंड चौथा, एंड एनी अदर टास्क गिवन बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा राइट, या अन्य कोई कार्य जो उन्हें स्पीकर दे दे राइट। तो इसमें लोकसभा के भी हो सकती है और राज्यसभा के भी हो सकती है, हमको ध्यान रखना। तो अगर वो कमेटी लोकसभा के द्वारा बनी है तो उसमें उनको कोई टास्क लोकसभा स्पीकर दे सकता है, और राज्यसभा के द्वारा बनी है तो उसको कोई टास्क राज्यसभा चेयरमैन दे सकता है। तो क्या चीजें करती है, चार लोग हैं, चार चीजें ये करती है। दिस कमेटी रिकमेंड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सेकेंड हो गया। दे ट्राई टू इंश्योर 3 E's इन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, थर्ड दे डू फिजिकल वेरिफिकेशन टू द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एंड फोर एनी टास्क गिवन बाई द स्पीकर ऑफ द लोकसभा आर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये क्या नहीं कर सकती, दे कैन नॉट कमेंट ऑन द पॉलिसी लेवल, वो पॉलिसी लेवल पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकती। दे कैन नॉट इंटरवीन और इंटरफेयर इन द डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स के जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई भी वो कमेंट नहीं कर सकती। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट हो गया,
कि दीज कमिटीज कैन नॉट रिकमेंड एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लेजिस्लेशन. इनमें क्या कैसे सुधार हो इनके वर्क परफॉर्मेंस में, इसके बारे में तो बता सकती है, लेकिन ये पॉलिसी गलत बनी है, पॉलिसी ऐसे बनना चाहिए, ये नहीं बताएगी. जो जो कमियां हैं इनके परफॉर्मेंस में ये बता सकती है, बट दिस कमिटी कैन नॉट रिकमेंड एनीथिंग रिलेटेड टू लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन से संबंधित करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी के डिफरेंट तरीके होते हैं. तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, कोपू के बारे में. जो तीसरी इंपॉर्टेंट है फाइनेंस रिलेटेड कमेटीज में, दैट इज पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति, राइट. इसमें थोड़ा हमको डिटेल में बताना पड़ेगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे. आई होप इतनी चीज़ें आप समझ पाए होंगे. थैंक यू सो मच.